हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQDET, लेट्स मल्टीप्लाई नॉलेज। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट आज अपनी ऊंचाई को लेकर फिर विवादों में है। चीन यहां नपाई कर रहा है, तो प्रश्न ये है कि क्या माउंट एवरेस्ट की हाइट कम हो गई? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर, इतनी ऊंचाई कि यहां दुनिया नतमस्तक है। नेपाल और चीन के बीच फ्रेंडशिप का प्रतीक है ये पर्वत। कहा जा रहा है कि 2015 में नेपाल के विध्वंसकारी भूकंप ने इसकी नींव को हिला दिया, जिससे इसकी ऊंचाई कम हो गई। खैर, यह बात साइंटिफिक तौर पर प्रूफ नहीं की जा सकी। एवरेस्ट पर चढ़ाई करने जा रहा चीन का सर्वे दल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट और ग्रेविमीटर की मदद से एवरेस्ट की ऊंचाई मापेगा। पहले माउंट एवरेस्ट की लोकेशन पर नजर डालते हैं। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला में मौजूद एक विशाल पर्वत है। देखिए, हिमालय पर्वत जो हमारा है, प्यारा हिमालय पर्वत है, वो पश्चिम से पूर्व की ओर भारत में फैला है और कई भागों में इसको डिवाइड करके पढ़ा जाता है। अब यदि देखें तो माउंट एवरेस्ट नाम का जो नगीना है वो यहाँ पे मौजूद है। ये भारत की सीमा में नहीं आता, ये नेपाल और चाइना बॉर्डर में काउंट किया जाता है। देखिए, नेपाल साइड में इस पर्वत को सागर माथा के नाम से पुकारा जाता है, सागर माथा, और चाइना में इसको कहा जाता है चोमो लुंगमा। क्या कहा जाता है? चोमो लुंगमा कहा जाता है। अब 1960 में एक समझौता होता है जिसमें चाइना और नेपाल ये डिसाइड करते हैं कि हम इसकी सीमाएं बांट लेंगे और दक्षिणी भाग नेपाल की तरफ आ जाता है। अब सवाल ये है कि क्या चाइना जो है माउंट एवरेस्ट पर कब्जे के मंसूबे से ये काम कर रहा है? देखिए, हाल ही में चाइना ने यहाँ पे एक 3G टावर लगाया है, माउंट एवरेस्ट के अपने हिस्से पर बेस बनाकर एक 3G टावर लगाया है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इसका मकसद संचार सुविधाओं को बढ़ावा देना है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि ऐसा करने का चाइना का मकसद इंडिया पर नजर रखना, अपने तिब्बत क्षेत्र पर, अपने आधिपत्य वाले तिब्बत क्षेत्र पर मजबूती बनाना और यहाँ से पूरी दुनिया पर निगरानी रखने का चाइना का मकसद है। वैसे भी चाइना पे भरोसा किया नहीं जा सकता, क्योंकि इससे पहले वो इंडिया के आसपास पल्स यानी मोतियों की माला बनाकर काफी चर्चा में रहा है और इन दिनों चाइना अपनी सुरक्षा को लेकर भी काफी चिंतित है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में माउंट एवरेस्ट जैसे विशाल पर्वत की ऊंचाई कम हो सकती है? इतना विशाल पर्वत छोटा हो सकता है क्या? तो देखिए, इसके लिए पहले हमें साइंटिफिक रीजन को खंगालना होगा और वैज्ञानिक तर्क यह कहता है कि इसके पीछे प्लेटों के सरकने का रीजन हमें जानना चाहिए। तो चलिए पहले वीडियो में प्लेटों के सरकने की थ्योरी समझ। वेल, प्लेट थ्योरी को समझना है तो हमें 60 मिलियन ईयर्स पहले जाना होगा, जब इंडियन और यूरेशियन प्लेट्स एक दूसरे से मिले नहीं थे। लेकिन इंडियन प्लेट में मूवमेंट चालू होती है, ये देख रहे हैं आप यूरेशियन प्लेट, ये है इंडियन प्लेट्स। क्योंकि प्लेटों के अंदर लावा भरा होता है जो उन्हें मूवमेंट देता है, धीरे धीरे ये प्लेट्स एक दूसरे के नजदीक आते हैं और प्राकृतिक बदलाव की क्रिया शुरू हो जाती है। जहां 33 सागर था वहां मिट्टी भरना शुरू हो रही है और इसके बाद आज की स्थिति ये होती है कि ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से मिल जाती हैं और 33 सागर हटकर हिमालय और माउंट एवरेस्ट की उत्पत्ति होती है। ये है, देखिए, प्रेजेंट डे की तस्वीर कुछ ऐसी है। अगर हम आज की बात करें तो ये प्लेट्स आज भी मूवमेंट कर रही हैं और जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट की ओर खिसक रही है और चाइना नेपाल को धक्का देते हुए आज भी मूवमेंट जारी है। तो ये चित्र आप देख सकते हैं जिसमें दर्शाया गया है कि इंडियन प्लेट कंटिन्यूस टू मूव नॉर्थ। यही वजह है कि साइंटिस्ट मानते हैं कि कहीं ना कहीं माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में परिवर्तन संभव है। अब बात करते हैं कंट्रीज और हाइट की। तो देखिए, सबसे पहले 1856 में माउंट एवरेस्ट की हाइट मापी गई थी। इसके बाद इंडिया, अमेरिका, चाइना ने समय समय पर हाइट मापने के प्रयास किए हैं और दल भेजे हैं या तकनीक की मदद से हाइट नापने की कोशिश की है। 1955 में भारत ने हाइट मापी, इंडियन सर्वेक्षण विभाग ने, भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने हाइट मापी 8848 मीटर, जो कि आज भी मानक है। यानी कि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो 8848 मीटर इज करेक्ट हाइट। अमेरिका ने 1999 में हाइट मापने का प्रयास किया। बीबीसी की एक रिपोर्ट बताती है कि एक साइंटिस्ट ने जियोग्राफिक सोसाइटी द्वारा अपनाई जाने वाली तकनीक के जरिए हाइट 8850 मापी, 8850। उसके बाद चाइना की बात करें तो चाइना 6 टाइम्स अटेम्प्ट कर चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के
अकॉर्डिंग चाइना ने दो बार हाइट्स जारी की हैं। 1975 में चाइना ने 8848.13 हाइट जारी की, उसके बाद 8844.43 हाइट 2005 में जारी की गई। अब सवाल यह है कि इंडिया के लिए नेपाल क्यों इम्पोर्टेंट है। स्ट्रेटेजिकली इंडिया के लिए नेपाल बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बात अलग है कि हाल ही में इंडिया ने नेपाल से एक्सपोर्ट किए जाने वाले पाम ऑयल पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन ये व्यापार समझौतों और मलेशिया से कुछ बुराई के चलते किया गया है। इसके पीछे माउंट एवरेस्ट का कोई रीज़न नहीं है। हाँ, जहाँ तक चाइना का प्रश्न है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो इस पर दुनिया दो तर्कों में बटी है। पहला तो ये कि 2015 में आए भूकंप से माउंट एवरेस्ट को क्षति पहुँची है या नहीं, ये पता लगाना। दूसरा, माउंट एवरेस्ट पर अपना प्रभुत्व जमाना ताकि वो दुनिया पर नज़रें जमा सके। तो आई होप ये जानकारी आपके लिए यूज़फुल साबित होगी। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम नए नए रूप में अपने चैनल को लेकर हाजिर हुए हैं।